हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया आर्ट गैलरी। तो जैसा कि आप जानते हैं, दुर्गा पूजा का फेस्टिवल आ रहा है, इसलिए मैं दुर्गा माँ का एक ड्राइंग बनाऊंगी और जो रेफरेंस इमेज आपको कॉर्नर में दिख रहा है उसी को देखकर मैं बनाने वाली हूँ। और इसका एंड दोस्तों बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने एंड में बताया है कि पूरा पेंटिंग मैंने कैसे तैयार किया और जो मैं नहीं दिखा पाई हूँ वो वीडियो में, वो मैंने एंड में बताया है कि वो मैंने कैसे किया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बैकग्राउंड को कलर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ग्रे कलर में थोड़ा सा ब्लैक को मिक्स कर उसका जो टोन है उसे थोड़ा सा डार्क कर लिया है, ताकि बैकग्राउंड अच्छे से डार्क लगे। और इस पूरा मुकुट को बनाने के लिए मैंने सिर्फ एक ही टेक्निक को यूज़ किया है, जो कि है कि जो डिज़ाइन मुकुट का मैंने बनाया है उसका आउटलाइन और उस डिज़ाइन को पहले मैंने ग्रे कलर से कवर किया है और उसके बाद उस डिज़ाइन को हाईलाइट करने के लिए वाइट कलर का यूज़ किया है। बस इसी टेक्निक से मैंने पूरा मुकुट को तैयार किया है। आगे आप देखते जाइए कि मैं कैसे ये बना रही हूँ और फॉलो करते जाइए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मुकुट का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब काम करेंगे फेस पर, और सबसे पहले मैंने फेस पर एक बेसिक लेयर बना लिया है वाइट कलर से और पूरा चीज़ कवर कर लिया, आई, नोज़, लिप्स, सारे चीज़ को। और अब मैं इसमें जो फेस कलर मैं देने वाली हूँ वो है येलो, और इस येलो कलर से मैं पूरा कवर करूँगी। उससे पहले मैं पिंक कलर से आई, नोज़ को कवर करूँगी। तो बस आप देखते रहिए मैं कैसे कर रही हूँ।
फाइनली दोस्तों ये पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है माँ दुर्गा का, और इसे मैंने इसी एक्रेलिक कलर से बनाया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका लास्ट फिनिशिंग टच देने के लिए मैंने ये चारकोल पेंसिल का यूज किया था, वाइट ब्राउन, और ये 2B पेंसिल से मैंने बाकी जैसे इन सब चीज इसमें शेडो दिया था, वैसे ही मैंने यहाँ पर चिक्स में शेडो दिया है पेंसिल से ही। और इसे स्मच करने के लिए मैंने ये पेपर स्टैम्प का यूज किया था, और कहीं कहीं पर मैंने ब्रश भी यूज किया था। तो ये पूरा पेंटिंग इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है, और इसका डिटेल्स आप देखने के लिए मैंने इस पेंटिंग में बहुत सारे लाइव स्ट्रीम भी किया था, तो अगर आपको पूरा डिटेल से देखना हो तो आप उसमें जाकर भी देख सकते हैं। तो अगर ड्राइंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। मैंने बहुत मेहनत किया है इस ड्राइंग को बनाने के लिए, बहुत दिनों से इसमें लगी हुई हूँ बनाने के लिए मैं, फाइनली आज ये कम्प्लीट हुआ। और ये है पूरा माँ का लुक, तो देखिए आप भी बनाइए। और एक बार मैं पूरा पूरा जूम कर आपको मतलब ये दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है।